हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं अविनाश कुमार और आरआरबी एएलपी पेपर टू में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप लोगों के आईटी लिटरेसी की क्लास चल रही है। आज आप लोगों के की छठी क्लास है और उम्मीद है कि 7.1 से 7.5 तक आप सब लोग अच्छे से पढ़ लिए हो। अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़ लेना। हम लोग का जितना इजी टॉपिक था आईटी लिटरेसी का, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब थोड़ा इजी टॉपिक था। कंप्यूटर जनरेशन, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। अब थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों का टफ होने वाला है, तो अभी दो तीन लेक्चर आपके पास बचे हुए हैं, उसके बाद आप लोगों का आईटी लिटरेसी खत्म हो जाएगा। तो ये दो तीन लेक्चर जो मैं बताऊंगा ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, नहीं तो आप लोगों को ही दिक्कत होगा, समझे? तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोगों का आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। मतलब इसमें हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, बट आप लोगों को मैं बेसिक्स इसका पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को आ सकता है। और ये मैं पहले ही बता दूं, थोड़ा कंसेप्ट वाला है, थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर आप लोगों को ये लगेगा। इसमें कुछ नहीं, आप लोगों को मैं 10-12 फुल फॉर्म बताऊंगा, वो सब रटने वाला है। लैन, मैन, वैन, ये सब के बारे में बताऊंगा, वो सबका फुल फॉर्म आप लोग रट लेना और उसी पर आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। जिन लोगों को पढ़ना नहीं है, जिन लोगों को सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, वो लेक्चर के लास्ट में चले जाओ। मैंने 8-10 क्वेश्चन वहाँ पे किए हुए हैं, आप लोग डायरेक्ट वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। अगर सारा बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो वापस से ये लेक्चर देख लेना। लेकिन एमसीक्यू करोगे तो वही 8-10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, और ये लेक्चर अगर पढ़ लोगे तो आप लोगों का 20-30-35 क्वेश्चन आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है? तो चलो हम लोग पहले डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। देखो, आप लोगों को नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, जो चीज़ मैं बोलूँगा बस आप लोग वो नोट करते जाना, ठीक है? ये डिफिनेशन सब मैंने बुक से या कहीं कहीं से लिखा है, तो आप लोगों को ये लिखने का जरूरत नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, मैं रीड कर देता हूँ एक बार। इट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस, जनरली टर्म्ड एज होस्ट, कनेक्टेड यूजिंग मल्टीपल पाथ्स फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग रिसीविंग डेटा और मीडिया। बोल क्या रहा है, मल्टीपल डिवाइसेस, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया और आपका मोबाइल हो गया, जैसे मेरा मोबाइल और मेरा मोबाइल आपस में कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का नेटवर्क हो गया। तो ऐसे करके अगर 50 डिवाइसेस है ना, तो इसके बीच एक कनेक्शन होगा, वायर होगा, वायरलेस भी हो सकता है, लेकिन अभी आप लोग फिलहाल वायर मान के चलो। तो ऐसे करके अगर बहुत सारे डिवाइस रहेंगे और सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, तो क्या होगा, आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेज सकते हो या रिसीव कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप पर क्या करते हो, मैसेज भेजते हो, टेलीग्राम पे क्या करते हो, मैसेज भेजते हो, यूट्यूब से क्या करते हो, आप लोग डेटा लेते हो ना, यही है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, इन डिवाइसेस को हम लोग होस्ट भी बोलते हैं, कहीं कहीं नोड भी बोला जाता है, आपको मैं वो आगे बताऊंगा। अब देखो अगला लाइन क्या बोल रहा है, देयर आर ऑल्सो मल्टीपल डिवाइसेज और मीडियम्स विच हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेज नोन एज नेटवर्क डिवाइसेज। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। और ये सब क्या हो गया, अगर लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, इसको हम लोग बोलेंगे डिवाइसेज, ठीक है? एग्जाम्पल देखो नेटवर्क डिवाइसेस का, राउटर, स्विच, हब, ब्रिज, ये सब आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल मैं देता हूँ राउटर का, कुछ लोग राउटर लगा के रखे हो के घर में, या स्कूल कोचिंग जाओगे तो राउटर वहाँ पे लगा होता है। राउटर क्या करता है, वाईफाई एक जगह से लाता है और 10 जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे 2-3 रूम पार्टनर है, तो राउटर लगा हुआ है और हम तीनों के तीनों नेट एक्सेस कर रहे हैं उससे। तो वैसे ही स्विच होता है, आप लोग डीवीडी या सीडी में देखोगे पीछे 10 तरह के स्विच होते हैं, आप लोग मल्टीपल जगह से कनेक्ट करते हो। तो ये सब कंप्यूटर नेटवर्क में आप लोगों का नेटवर्क डिवाइसेस यही सब होता है, वो क्या करता है, आपका नेटवर्क बनाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ समझने का जरूरत नहीं है, बस मैं डिफिनेशन आप लोगों को बता दिया। आप लोग क्या करो, बस ये नाम याद रख लो, राउटर, हब, ब्रिजेस, वायरलेस राउटर, स्विच, ये सब नाम बस आप लोग याद रख लो। ये सब आपका क्या हो गया, ये सब नेटवर्क डिवाइसेस हुआ, डिवाइस नहीं हुआ, नेटवर्क डिवाइस हुआ। डिवाइस और नेटवर्क डिवाइस में क्या अंतर है, जैसे आपको मोबाइल
ये नॉर्मल एक डिवाइस हो गया, ठीक है। लेकिन राउटर, हब, ब्रिज, ये सब नेटवर्क डिवाइस हुआ। इसका क्या काम है? दो चीज के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। जैसे राउटर क्या हो गया, उसके थ्रू आप मोबाइल और लैपटॉप दो दोनों जगह नेट एक्सेस कर रहे हो ना, वो आपका नेटवर्क दे रहा है ना, तो ये आपका हो गया नेटवर्क डिवाइसेस। तो कंफ्यूज मत करना। तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से क्या नेटवर्क डिवाइसेस है या नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क डिवाइसेज और नॉट, तो आप लोगों को ऑप्शन इसके अनुसार रहेगा। तो बस आप लोग ये नाम रट लो, ठीक है, सबके डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स और एल्गोरिदम्स विच डिफाइन द वे हाउ टू एंटिटीज कैन कम्युनिकेट। जैसे आपका मोबाइल है और किसी और के पास भी मोबाइल है, तीन चार मोबाइल है, और मान लो राउटर है यहाँ पे, तो राउटर कैसे कैसे इन सब से कम्युनिकेट कर रहा है। हो सकता है पहले डेटा इसको भेजे या इसको भेजे या इसको भेजे, या मान लो आपके लैपटॉप से मोबाइल आपका कनेक्टेड है और ये लैपटॉप आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो किस तरीके से नेट जाएगा, कोई एल्गोरिदम होगा, कोई रूल होगा, तो इस चीज़ को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल का डिफिनेशन आप लोग मत याद रखो, प्रोटोकॉल में आप लोगों को एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देख रहे हो, ये आप लोगों को याद करने का जरूरत है। एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो सबका फुल फॉर्म याद करो ना करो, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ, ये याद कर लो, HTTP। बहुत फेमस क्वेश्चन इस पे आता है, बहुत बार पूछता है HTTP का फुल फॉर्म, आप लोग याद रख लो, ये चीज आप लोग नोट कर सकते हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में होगा तो मैं अगला चैप्टर जो आपका इंटरनेट होगा, ठीक है, दो तीन चैप्टर बस बचा है इंटरनेट पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोगों को वेब ब्राउजर क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, ये सब बताऊंगा, और एक चैप्टर सिक्योरिटी, इसमें वायरस क्या होता है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस दो से तीन चैप्टर है और उसके बाद आपका मैं एक कंबाइंड मॉक टेस्ट लूंगा। तो आप लोग क्या करो, HTTP का फुल फॉर्म याद कर लो। सेकंड इम्पॉर्टेंट एक ये IP याद कर लो, IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सबके लास्ट में P है तो सबका प्रोटोकॉल ही होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सब नोट कर लो। FTP, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन आप लोग याद कर लो, ये भी आ सकता है, ये होता है फाइल्स, फाइल या फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है TCP, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सब फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, ठीक है, कंट्रोल प्रोटोकॉल, या गूगल पे लिख देना ना प्रोटोकॉल, आपको बहुत सारा आ जाएगा। इंटरनेट हम लोग का है ना, इसी प्रोटोकॉल पे काम करता है, आपका TCP/IP शायद उसको बोलते हैं, TCP/IP बोलते हैं, इंटरनेट है ना, यही यहीं से काम करता है। UDP हो गया, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकता है, तो आप लोग सर्च करना सबका, मैं क्या बताऊं। ARP होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका काम IP को मैक एड्रेस में करना होता है, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। तो आप लोग चाहो तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, IP आप लोग याद रखो और HTTP, ये दोनों सबको याद होना चाहिए। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट, इसको मैं VVI बोलूंगा, इसको मैं VVI बोलूंगा, और FTP, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। ARP नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, बट याद कर लो। तो आप लोगों का ये सब इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल हो गया, आप लोगों को यहाँ पे मैं बस फुल फॉर्म ही आप लोगों का मेन है वो बताऊंगा, और चलो आगे देखते हैं, ये सब आप लोग नोट कर लो। ये है टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। देखो इसका डिफिनेशन क्या है, द लेआउट पैटर्न यूजिंग विच डिवाइस आर इंटरकनेक्टेड इज कॉल्ड एज नेटवर्क टोपोलॉजी।
इसमें आप लोग बस फिगर सबके दिमाग में होना चाहिए। फिगर मैंने क्यों डाला है, फिगर डाल दिया ना तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगा। बस, स्टार, मेस, रिंग, डेजी चेन, ये सब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, आप लोग बस फिगर याद करो। यहाँ पे जो ये ग्रीन देख रहे हो ना, ये सब क्या है, डिवाइस बोल सकते हो इसको, डिवाइस बोलो, नोड बोलो, होस्ट बोलो, अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं। तो ये सब कैसे कनेक्ट है, किस तरीके से कनेक्ट है ना, ये पैटर्न है आपका। तो जैसे ये क्या है ना, नेटवर्क है, जब वायर देख रहे हो ना तो इसको नेटवर्क एक तरह से बोल सकते हो या वायर बोल सकते हो। और ये आपका दो डिवाइस है, तो दो डिवाइस के बीच में क्या है, एक वायर है ना, डिफरेंस देखना। रिंग, ये रिंग जैसा लग रहा है, लाइन, स्टार। आप लोग मेस, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब अभी मत देखना, ट्री मत देखना। आप लोग रिंग और स्टार हमेशा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी, रेलवे में पूछेगा कि नहीं नहीं पता मुझे, लेकिन नेटवर्क टोपोलॉजी का जब बात आता है तो रिंग और स्टार में डिफरेंस हमेशा पूछता है। तो क्या डिफरेंस है, देखो अगर ये तार मैंने काट दिया, ये तार, ध्यान से देखो तो क्या होगा, आपका ये डिवाइस डिसकनेक्ट हो गया ना, तो आपका बाकी डिवाइस इसको डेटा नहीं भेज पाएगा, मूवी, ऑडियो कुछ भी भेजना रहे, लेकिन बाकी सबको तो भेज सकता है ना, ये होता है स्टार। लेकिन आपका रिंग में अगर मैं ये वायर काट दूं तो आपका ये सब डिसकनेक्टेड हो गया, समझ रहे हो, तो आपका डेटा सब सब डिसकनेक्ट हुआ। अगर इससे हमको इसको भेजना रहा तो मान लो ऐसे करके डेटा जाता था और ऐसे करके वापस आता था, तो नहीं आ पाएगा, ये डिफरेंस है। स्टार में एक सेंटर नोड है, लेकिन रिंग में सेंटर में कुछ नहीं है, सब सेम काम कर रहा है, लेकिन स्टार में आपका बीच वाला क्या कर रहा है, सबको भेज रहा है और वो सबसे रिसीव कर रहा है। उसी तरह बस होता है, देखो बस, इसमें क्या मल्टीपल सीट होता है ना बस में, तो देखो एक वायर पे कितना ज्यादा कनेक्टेड है ना। तो आप लोग को इसमें कुछ नहीं, बस फिगर याद रखो, क्वेश्चन पूछेगा ना तो बनेगा आप लोगों से, नहीं बनेगा ये आप लोगों को फिगर याद है ना, तो आप लोग डायरेक्ट समझ जाओगे। एक दो क्वेश्चन मैं इस पे आप लोगों को कराऊंगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए बोल दिया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने पहले ही बोला कि इस चैप्टर में थोड़ा टफ टफ टॉपिक में डिस्कस करूंगा, तो हर चीज नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बस रट्टा मारते जाना, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं बस आप लोगों को छोटा में समझा रहा हूँ। यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ नेटवर्क, अब देखो होता क्या है ना, जैसे मेरा लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, कोई और आदमी वीडियो देख रहा होगा, 1000 आदमी हम लोग का 1000 वीडियो देख रहा होगा, तो यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या करता है ना, आप चाहोगे मैं मेरा आईटी लिटरेसी का 6 वीडियो देखूं, कोई चाहेगा 5वां वीडियो देखूं, कोई चाहेगा 4था वीडियो देखूं, तो आप सब क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो यूट्यूब को ना कि हमको ये वीडियो दिखाओ, हमको ये वीडियो दिखाओ। तो यूट्यूब कैसे समझेगा कि किसको कौन सा वीडियो भेजना है, तो उसके लिए वो आइडेंटिफायर यूज करता है। मतलब आपका लैपटॉप भी यूट्यूब पहचानता होगा कि भाई इस लैपटॉप को हमको ये वीडियो दिखाना है, इस लैपटॉप वाले को हम लोगों को ये वीडियो दिखाना है। तो उसमें कैसे कैसे पहचानता है, जैसे आपको कोई कैसे पहचानेगा, आपका धर्म से पहचानेगा, आपका कास्ट पहचानेगा, आपका नाम पहचानेगा, दो आदमी का नाम सेम है तब बाप का नाम चेक करेगा, बाप का नाम भी सेम है तो क्या करेगा, डेट ऑफ बर्थ चेक करेगा। तो ये सब क्या हो गया, हम लोग का आइडेंटिफायर हुआ ना, तो उसी तरह नेटवर्क में अलग अलग टाइप के आइडेंटिफायर होते हैं, ये सब उनका नाम है। इसमें आप लोग होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पूछ देगा, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस दोनों की मैं बात नहीं करूंगा। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, रिमेम्बर रखो इसका फुल फॉर्म, आईपी का फुल फॉर्म मैंने बताया था इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये आपका क्या कह सकते हो, एक लैपटॉप जैसे होता है ना, हर लैपटॉप का एक अपना आईपी एड्रेस होता है, आप लोगों को अगर आपके लैपटॉप का आईपी एड्रेस चेक करना होगा ना तो सर्च बार में CMD लिखना, जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CMD, तो आपका क्या खुलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में आप लोग चाहो तो लिखना IPConfig, इफ आईपी कन्फिग, इसको बोलते हैं कन्फिग से कन्फिग्रेशन समझो, इंटर करोगे ना तो देखो यहाँ पे आप लोगों का आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये देख रहे हो, ये सब चीज लिखा जाएगा,
नेटवर्क नेटवर्क जब आप लोग, मेरा मोबाइल अभी लैपटॉप नेट से कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए मेरा आईपी एड्रेस नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब आप लोग इंटरनेट से, अभी मैं कनेक्टेड कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में होगा तो मैक एड्रेस या ये सब बताऊंगा, तो आपका ये आईपी एड्रेस देगा। आईपी एड्रेस किस टाइप का होता है, जैसे 192.102 ऐसा करके कुछ लिखा होता है, आप लोग नेटवर्क ऑप्शन आप लोगों को लैपटॉप में मिलेगा, वहां से भी आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से क्या मिलता है आप लोगों को, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। आप लोग पहले क्या करो, फुल फॉर्म दोनों का याद रख लो। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। होस्ट नेम क्या होता है, आपके लैपटॉप का नाम होता है आपका, मेरा लैपटॉप हो गया, मेरा मोबाइल हो गया, तो कैसे पहचानेगा कोई नेटवर्क, तो ये सब आइडेंटिफायर का काम करता है। जैसे मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में सीएमडी में देखो होस्ट नेम लिखूंगा, HOSTNAME, तो देखो ये देख रहे हो अविनाश लेनोवो पीसी, ये मेरे लैपटॉप का होस्ट नेम हुआ। ऐसे ही होता है, एक आपका IPCONFIG, IP config/ ऑल, तो देखो कितना चीज आ गया। तो यहाँ पे मीडिया डिसकनेक्टेड दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने नेट ऑफ करके रखा है। यहाँ पे आपका फिजिकल एड्रेस, ये चीज देख रहे हो, तो ऐसे ही आप लोगों का मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस इस तरीके के थ्रू। आप लोग कभी सीआईडी या कोई एपिसोड देखते होगे तो उसमें नहीं बोलता होगा कि आईपी एड्रेस मैं ट्रेस कर रहा हूँ, इसी सब के सहारे, नेट से कनेक्टेड रहता है ना मोबाइल या लैपटॉप, तो इसी के सहारे हम लोग का लोकेशन देखा जा सकता है, मेरा मोबाइल कहाँ पे है, मेरा लैपटॉप कहाँ पे है, उस कैसे देखा जाता है, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ये सब के थ्रू। ये सब क्या है आपका, आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोग को क्या बताया, आप लोग आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का फुल फॉर्म याद रखो। आईपी एड्रेस के बारे में मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, ये 32 बिट का होता है। बिट आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बिट 1001, ये टोटल 4 बिट हो गया, तो 0 और 1 में ही ये चीज लिखा जाता है। एक आता है आपका बाइट, 1 बाइट में आपका 8 बिट होता है, ठीक है, ये सब चाहो तो याद रख सकते हो, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो आपका आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, जैसे मैंने 192.168.1.8 ऐसे करके आप लोगों के लैपटॉप का या मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस ऐसा होता है, तो एक्चुअली में 32 बिट हुआ ना, तो ये डॉट ऐसे ही सेपरेटर है, आप लोगों को ये ध्यान नहीं देना है। तो ये मान लो 8 बिट का होगा, ये भी 8 बिट का होगा, ये भी 8 बिट का होगा, ये नंबर भी बाद में तोड़ा जाता है, जैसे 8 को हम लोग बाइनरी में 1000 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं आप लोगों को बता दिया। आईपी एड्रेस बस आप लोग याद रखो 32 बिट का होता है, और मैक एड्रेस आप लोगों का 48 बिट का होता है, ठीक है, ये याद रखो आप लोग। आईपी में ही आप लोगों का आएगा, IPv4 का भी कहीं कहीं पूछ देता है और IPv6 पूछ देता है, तो इसका आप लोग याद रखो 32 बिट, और इसका याद रखो 128 बिट, ये सब चीज आप लोग याद रखो। मैं आप लोगों को समझाने के थ्रू बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोगों को रट्टा मारने के लिए बोलूंगा तो आप लोग भूल जाओगे, इसलिए मैं आप लोगों को समझाते समझाते बता रहा हूँ। तो उम्मीद है इतना आप लोग समझ लिए होंगे। दो तीन छोटा सा कंसेप्ट, डीएनएस सर्वर, एआरपी, एआरपी, ये सब भी होता है, आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। एआरपी का फुल फॉर्म मैंने बताया आप लोगों को, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और आरएआरपी का फुल फॉर्म होता है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, रिवर्स और एआरपी, एआरपी का फुल फॉर्म आप लोगों को बता ही दिया था। देखो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, डीएनएस क्या होता है, देखो आप लोग लैपटॉप पे गूगल पे जाना होता है या फेसबुक पे जाना होता है तो आप लोग क्या लिखते हो, www.facebook.com लिखते हो ना, तो हम लोग तो www.facebook.com लिख देते हैं, इससे लैपटॉप को, कंप्यूटर को या नेटवर्क को नहीं समझ में आता कि कहाँ जाना है। तो ये डीएनएस सर्वर क्या करता है ना, इस नाम को, यूआरएल उसको बोलते हैं, www.facebook.com क्या हो गया, एक यूआरएल हो गया,
उसको क्या करता है ना, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद एआरपी, एआरपी क्या करता है ना, उस आईपी एड्रेस को किस में कन्वर्ट करता है, फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। फिर आरएआरपी आ गया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्या करता है फिर उस फिजिकल एड्रेस को उस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। हमको पता है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होगे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, सब लोग कंफ्यूज करोगे, बट जो मैं बोल रहा हूँ ना आप लोग रट लो, रट लो, काम आएगा। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म, डीएनएस का फुल फॉर्म और एआरपी का। आरएआरपी का नहीं याद करोगे चलेगा, बट एआरपी का, डीएनएस का याद कर लेना। डीएनएस क्या करता है, आपका यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। एआरपी क्या करता है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। आज का लास्ट टॉपिक देख लो, बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर नेटवर्क से क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा उम्मीद है इसी पे क्वेश्चन आएगा। लैन, वैन और मैन, इसमें लैन और वैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म याद कर लो, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये फुल फॉर्म डायरेक्ट आप लोग से पूछ देगा। देखो ये कहो एक तरह से साइज के टर्म पे किया गया है, नाम से आप लोगों को पता होगा, लोकल छोटा एरिया में का जब बात होता है ना, जैसे एक बिल्डिंग का बात रहा, जैसे एक कॉलेज का बात रहा, तो वहां पे लैन काम करता है, वहां पे लैन वायर आप लोगों का होता होगा। जैसे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में हर हॉस्टल रूम में एक लैन वायर आया रहता था, उस लैन वायर से आप लोग लैपटॉप को कनेक्ट करो और इंटरनेट का यूज करो। तो ये कहो एक तरह से छोटा एरिया में यूज किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क, ये कहो एक तरह से एक कंट्री का एक वैन हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया में यूज किया जा सकता है, ये कंट्री लेवल पे यूज होता है, ये एक बिल्डिंग में यूज हो गया, ठीक है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। लोकल नाम से समझो, वाइड, मेट्रोपॉलिटन इससे नाम से पता चल रहा है एक छोटा सिटी में ये यूज होता है, मतलब आपका लैन से बड़ा हो गया मैन और मैन से बड़ा हो गया आपका वैन। ये याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ। अब देखो तीनों में डिफरेंस पूछ सकता है, उस पर न्यूमेरिकल घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। एरिया के टर्म में आपका लैन सबसे छोटा, उससे बड़ा मैन और उससे बड़ा वैन, ठीक है, मैन हमेशा आपका लैन और वैन के बीच में ही रहेगा। एरर रेट, अब देखो आप अगर 5 बच्चों को पढ़ा रहे हो तो 5 को अच्छा से पढ़ाओगे, लेकिन अगर 50 को पढ़ाओगे तो आप लोगों को 50 को संभालने में थोड़ा मुश्किल होगा। सेम यही चीज इसमें भी होता है, लैन में आपका 100-200 कंप्यूटर अप्रोक्स कनेक्टेड रहे तो वहां पे इरर कम होता है, लैन में इरर कम होता है, उससे ज्यादा मैन में और उससे ज्यादा वैन में। ट्रांसमिशन स्पीड, सिंपल सी बात है, छोटा नेटवर्क में ज्यादा स्पीड होगा ना तो लैन में कम होता है, लैन में सबसे ज्यादा होता है, सॉरी मैन में उससे कम और वैन में सबसे कम। ये चीज समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि आपका छोटा छोटा ही नेटवर्क है ना, तो आप लोगों का तुरंत इधर से उधर पहुंच जाता है। कॉस्ट के मामले में लैन आपका क्या होगा, सबसे सस्ता होगा ना, क्योंकि छोटा नेटवर्क है छोटे लोगों के बीच में, उसके बाद मैन और उसके बाद वैन। ये आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, याद क्या रखो कि ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। छोटा है एरिया, लैन लोकल नाम ही है, और मैन हमेशा बीच में होगा, तो एरिया के मामले में लैन सबसे छोटा, वैन सबसे बड़ा। एरर रेट के मामले में छोटा है तो कम एरर, तो लैन सबसे कम। ट्रांसमिशन स्पीड, छोटा सा घर है भाई, एक कोना से दूसरा कोना आप लोग आसानी से चले जाओगे, बड़ा सा घर रहेगा तो एक कोना से दूसरा कोना जाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और कॉस्ट के मामले में सिंपल सी बात है, छोटा घर बनाने में आप लोगों को कम टाइम लगता है ना, तो आप लोग ये याद कर सकते हो। तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क बहुत बड़ा टॉपिक है, 6 महीना का मेरा कोर्स था मेरे कॉलेज में, मैंने आप लोगों को बेसिक चीज बताया, ठीक है। अगला चैप्टर में आप लोगों को इंटरनेट पढ़ाऊंगा, वहां पे आप लोगों को और अच्छा सा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, थोड़ा ज्यादा बताऊंगा। आप लोगों को इस चैप्टर थोड़ा बोरिंग लगा होगा, मैं समरी बता देता हूं आप लोगों को क्या याद रखना है। लैन वैन ये दोनों का फुल फॉर्म सबको याद होना चाहिए,
ये अक्सर पूछता है रिपीट कर करके। डिफरेंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग याद करो तो चाहो तो याद कर सकते हो। और आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ये दोनों का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। स्टार और रिंग थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और आपका HTTP, IP, FTP, ये सब का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। राउटर, स्विच, हब, ये सब नेटवर्क डिवाइस का एग्जाम्पल है। इतना सबको याद होना चाहिए। ये 25 मिनट जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, 25 से 30 मिनट, इसमें आप लोगों को इतना चीज़ जो मैं बताया हूँ ना, 2-3 मिनट का चीज़ है, ये सबको याद होना चाहिए। अब क्या करो, आप लोग कुछ क्वेश्चन देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा इजी क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देखो। क्वेश्चन है, इन दिस टोपोलॉजी देयर इज ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। आप लोगों को मैंने बताया था सेंटर किस में होता है, आपका स्टार में होता है, ऐसा करके आप लोगों को दिखाया था ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार। मेस नहीं होगा, रिंग नहीं होगा, रिंग में ऐसा होता था, हर बॉडी अपना अपना सेम काम करता था। मेस भी नहीं होगा, मेस में सब एक दूसरे से ऐसे ऐसे कनेक्टेड थे, बस बस में ऐसे 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 थे। आपका आंसर क्या होगा, स्टार। अगला क्वेश्चन है, इन दिस टोपोलॉजी देयर इज ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। ये तो सेम क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सिमिलर हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि मान लो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि इन दिस टोपोलॉजी देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ स्विच, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आंसर क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लेना। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंड वैन, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अगर यहीं पे आपका मैन रहे तो क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लैन अगर होगा तो क्या होगा, आपका लोकल एरिया नेटवर्क। इस एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोग 3 क्वेश्चन समझ लो। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज, क्या होता है बताओ, आंसर क्या होगा इसका, टोपोलॉजी, नेटवर्किंग नहीं होगा। यहाँ पे नेटवर्क के बारे में बोल रहा है, अरेंजमेंट, राउटिंग नहीं होगा। राउटिंग में हम लोग क्या करते थे, बस नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट होता था, लेकिन अरेंजमेंट, आप लोगों को बताया ना मैंने, स्टार नेटवर्क होता था, रिंग होता था, ये क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है ना, दो डिवाइस के बीच में कैसे जाना है, स्टार के थ्रू जाना है या मेस करके होता था, कैसे जाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, टोपोलॉजी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट याद कर लो। विच नेटवर्क कवर्स लोएस्ट एरिया, साइज के बारे में आप लोगों को बताया था ना मैंने, क्या होगा बताओ, लैन से बड़ा मैन और मैन से बड़ा वैन, नाम से भी आप लोगों को पता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन, ये सिटी कवर करता है, और वैन आपका काइंड ऑफ कंट्री बोलो या ग्रुप ऑफ कंट्री बोलो, और लैन एक लोकेलिटी बोल सकते हो। डीएनएस स्टैंड फॉर, डीएनएस का फुल फॉर्म आप लोगों को मैंने बोला था ना याद कर लेने, क्या होता है बताओ, ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नेम सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक एड्रेस इज ऑफ, मैक एड्रेस कितना बिट का होता था आपका, 48 बिट का होता था, ये ऑप्शन नंबर डी। आपका आईपी कितना होता था, 32 बिट का होता था। यहाँ पे एक और चीज याद रख लो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कितना कितना कंप्यूटर एड्रेस पॉसिबल है, तो उसका आंसर होगा 2 के पावर 32। याद रखो बहुत बड़ा नंबर है ये, क्यों आप लोग पूछेगो, देखो 1 बिट का मतलब होता है या तो 1 या तो 0, ठीक है, या तो 1 या तो 0, याद रखो। तो 1 बिट मतलब 2 हुआ, दो तरह का एड्रेस हुआ ना, 2 बिट मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, या तो 0 रखो या तो 1 रखो, तो क्या क्या हो सकता है, 00 01 10 11, चार पॉसिबिलिटी है ना। तो आपका 2 बिट पे आंसर क्या आ रहा था, 2 का 2 4, क्या हुआ, 2 का 2 हुआ ना, उसी तरह का 3 बिट कहेगा, तो ये तो वही हुआ। और इस जगह या तो आप लोग 00 लिखो या 11 लिखो, इसी जगह 111, तो अब 8 हो गया ना। फिर जैसे जैसे बिट बढ़ रहा है, देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी दोगुना होते जा रहा है, तो जितना बिट रहेगा 2 के पावर उतना पॉसिबिलिटी है।
तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना आईपी एड्रेस पॉसिबल है, तो आंसर क्या मारना उसका, 2 के पावर 32। चलो अगला क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट रूट्स द डेटा, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। पूछो कैसे, देखो जैसे मैंने आप लोगों को रिंग नेटवर्क पढ़ाया, रिंग नेटवर्क ऐसा होता है ना, अब मान लो ये सब वायर से कनेक्ट है, नाम चलो इसका 1 2 3 4 5 दे देते हैं, तो आपका पांचों नोड है ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था ना। अब देखो अगर वन करेगा 4 को डेटा भेजना है, तो आपका वन क्या करेगा, डेटा कैसे भेजेगा, वो 2 को देगा या 5 को देगा, मान लो 5 को दिया, और 5 क्या करेगा, 4 को दे देगा, तो 4 को डाटा मिल गया, तो आपका वन यहाँ पे होस्ट हो गया एक तरह से, मतलब डेटा दे रहा, और ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया। लेकिन ये सब पांचों के पांचों नोड है, तो देखो वन क्या कर रहा है, डेटा दे रहा है मतलब ओरिजिनेट कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, डेटा ले रूट कर रहा है, मतलब ये डेटा को एक डायरेक्शन दे रहा है, राउट का काम कर रहा है, तो इसीलिए आपका क्या होगा, ये सब नोड है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन एकदम रट्टा मार लो, बहुत ज्यादा चांस है पूछ सकता है आप लोगों से। तो देखो 9 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया हूं, बट 9 क्वेश्चन के थ्रू मैंने आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ाया हूं, और ये चैप्टर आप लोगों को पता नहीं पसंद आया होगा कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा बोर लगा, क्योंकि भाई सब चीज वही रटा रटा है आपको बता रहा हूँ ना, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो चीज मैंने बोला है, मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, ये HTTP क्या होता है, थोड़ा स्टार रिंग ये सब क्या मैंने बताया, ये सब आप लोग याद कर लो, समझ लो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। रेलवे में अभी तक पूछा तो नहीं है, IT लिटरेसी पर उतना क्वेश्चन, बट ये नया टॉपिक ऐड किया है ना, तो आप लोग बस याद कर लो। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगला अगला टॉपिक आप लोगों का इंटरनेट पढ़ाऊंगा, काफी मजेदार टॉपिक है, और सिर्फ रेलवे के मकसद से नहीं, आप लोगों के बहुत एग्जाम में ये काम आएगा, तो आप लोग ध्यान से 2 3 चैप्टर जो भी पढ़ा रहा हूँ ध्यान देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, चलो गुड बाय, थैंक यू।